जैसा कि बिहारी लाल नींद के दोहे पढ़ रहे थे, जिसमें कुल 12 दोहे हो गए। 13वां दोहा है, जो चाहत चटक ना घटे, मैल होए न मीत, रज राज उस न छुआए तो नेह चीक नो चीत। बिहारी नेह चीक नो चीत, जो चाहत चटक न घटे, मैलो हुए न मित। मित ब्रजभाषा है, मित माने मित्र। रज राजस, रज राजस माने धूल गर्दा मिट्टी। नेह चिकनो चित, चित माने हृदय मन। प्रस्तुत दोहे में महाकवि बिहारी लाल जी एक अनुभवी व्यक्ति को अपने मन की शुद्धि करने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। प्रस्तुत दोहे में कहते हैं बिहारी लाल जी कि हे मित्र यदि तुम चाहते हो, हे मित्र यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे चित्त की चटक, तुम्हारे मन की जो चमक दमक स्फूर्ति, कुछ भी कह सकते हो, चटक माने चमक दमक या स्फूर्ति। हे मित्र यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की चटक अर्थात उसकी उज्ज्वलता कभी मलिन न हो, वह फीकी न हो, तो उसे प्रेम रूपी तेल से चीकने, प्रेम रूपी तेल से चीकने, चित्त से गर्व क्रोध असुप्त आदि का रजोगुण का स्पर्श मत होने दो। रजोगुणी आदि का स्पर्श मत होने दो। जिस प्रकार से एक तेल लगी हुई वस्तु को धूल मैला करके कांतहीन बना देती है, उसकी चमक को छीन लेती है, कांतहीन बना देती है, उसी प्रकार स्वच्छ मन को क्रोध अहंकार ये सब सर्वथा नष्ट कर देता है। इसलिए बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि इसलिए व्यक्ति को गर्व अहंकार क्रोध जैसे गुणों से सर्वथा बचना अनिवार्य है। कहने का भाव है बिहारी लाल जी का कि जिस प्रकार एक दीपक होता है, कीटाणु लगते हैं, धूल करता अगर साफ न किया जाए तो क्या उसकी चमक रह जाती है, फीकी हो जाती है, कांतहीन कर देते हैं सब उस पर। उसी प्रकार जो व्यक्ति का शरीर होता है, जो व्यक्तित्व होता है, उसके अंदर क्रोध आए, अहंकार आए या उसके अंदर अवगुण आ जाए तो आ क्या करता है, व्यक्ति को दुर्बल कमजोर कर देता है, इससे उसका पतन हो जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी लाल जी ने एक मनुष्य को एक अच्छा सुंदर उदाहरण देते हुए अपने सुंदर शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति दी है। भाषा ब्रज शैली मुक्तक गुण प्रसाद और जो इसमें अलंकार है अनुप्रास और रूपक अलंकार है, छंद जो है दोहा छंद है। इस तरह आपका 13 दोहा हुआ। 13वां बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरा तो ज्यो निकलंक माया को लखी गने लोग उत्पात। बिहारी गने लोग उत्पात। बुरो प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी लाल जी कहते हैं यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता को बुराई को छोड़ देता है तब भी लोगों के मन में शंका बना रहता है। कहने का भाव है बुरा बुराई जो तजे, तजे माने त्याग दे, चितो चितो माने चित, खरो खरो माने अधिक, अटरात माने डरना। यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी बुराई को त्याग देता है फिर भी लोगों के मन में शंका बना रहता है अर्थात डर बना रहता है। जिस प्रकार से निष्कलंक, निकलंक मयंक, मयंक माने चंद्रमा और निकलंक माने निष्कलंक, जिस प्रकार निष्कलंक रूप में चंद्रमा दिखाई देता है तो पृथ्वी पर
लोग भयभीत होने लगते हैं, आप शकुन की शंका करने लगते हैं। कहने का भाव है कि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि चंद्रमा निष्कलंक रूप में जब दिखाई देने लगता है तो पृथ्वी पर उत्पात होने की, अपशकुन होने की संभावना अधिक हो जाती है। कहने का भाव है, पहले एक उस जवान ने लिखे हैं 1603 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 400 साल पहले। तो कहने का भाव, उसमें कच्चा मकान होता था तो लोगों के यहाँ चोरी वगैरह होती थी, तो अंधेरिया रातों का ही सहारा लेकर के ये ज्यादा होते थे गलत कार्य, तो उस समय के लिए कहे हैं। पद्यांश में बिहारी लाल जी की दोहे से यह प्रतीत होता है कि इनको ज्योतिष शास्त्र का भी बड़ा सुंदर अध्ययन था, इनको ज्ञान था, इनके दोहे से ज्ञान प्रतीत होता है। भाषा प्रत छंद दोहा शैली मुक्तक गुण प्रसाद अलंकार जो है इसमें अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत में किसी का जो उदाहरण दिया जाए। आगे है 15वां, स्वारत सुकृत नश्रम वृथा देख बिहंग बिचारे बाज पराए पाने परी तू पछिन ना मार बिहारी तू पछिन ना मार। स्वारत सुकृत, सुकृत माने पूर्ण, श्रम श्रम माने मेहनत परिश्रम, वृथा वृथा माने व्यर्थ, विहंग विचार विहंग माने पक्षी, हे पक्षी हे बाज, हे बाज तुम अपने जैसे पक्षियों को न मार, न तो ये तेरा कर्म है न सत्कर्म है, न ऐसा किए जाने से तेरा श्रम सार्थक होगा, इसलिए हे बाज तुम दूसरे के चक्कर में पड़कर अपने जैसे पक्षियों की हिंसा मत कर। ये उस समय का वर्णन है बिहारी लाल जी का, इसमें अन्योक्त है अन्योक्त अलंकार। इस समय जब शाहजहां और औरंगजेब जैसे मुगल शासक होते थे तो राजा जय सिंह के यहां थे बिहारी लाल जी, तो वो अपने हिंदू नरेशों की हत्या करवाने में वे साथ दे रहे थे राजा जय सिंह। इसीलिए इसका जो उदाहरण है, हे राजा जय सिंह रूपी बाज तू अपने जैसे पक्षियों को न मार, न तो तेरा इसमें स्वार्थ है और न ही सत्कर्म है और न ही ऐसा करने से तुम्हारा श्रम मेहनत होगा, न ही ऐसा करने से तुम्हें कोई पुण्य की प्राप्ति होगी, इसलिए तू हे बाज हे राजा जय सिंह रूपी बाज तू अच्छी तरह से सोच विचार कर ले, अपने मन में सोच विचार कर ले कि अपने जैसे अपने अन्य साथी जैसे राजाओं को अर्थात अपने ही जैसे अन्य पक्षियों की हिंसा मत कर, न तेरा सत्कर्म है न तेरा मेहनत सार्थक होगा, इसलिए सोच विचार कर। पान पराए बाज, पान पराए पान माने हाथ में, पराए माने दूसरे लोग, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर तुम अपने जैसे जैसे राजाओं को अर्थात पक्षियों को मत मारो। उपरयुक्त दोहे में बिहारी लाल जी ने बड़े सुंदर ढंग से अन्योक्त के माध्यम से राजा जय सिंह को अपने दोहे के द्वारा बड़े सुंदर शब्दों में सहज भाव में अभिव्यक्त दी है। भाषा ब्रज शैली मुक्तक गुण प्रसाद छंद दोहा और अलंकार जो है अनुप्रास और अन्योक्त अलंकार, इस तरह आपका बिहारी लाल निधि का दोहाया समाप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं, एक पद हुआ तीन बार पाठ, अब आगे हम चलते हैं गद्य की ओर। छात्रों आज हम चलते हैं हिंदी गद्य की ओर, जिसमें आपके दो पाठ हो गए हैं। आज का जो तीसरा पाठ है वह क्या लिखूं ये निबंध है, पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी जी का है। तो सबसे पहले हम बक्सी जी के बारे में एक संक्षिप्त जीवनी के बारे में अध्ययन करते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम
उमराव बख्शी था, आपके पितामह का नाम पुन्नालाल बख्शी था और आपकी माँ का नाम रुखमणी और मनोरमा देवी भी उनको नाम से कहते थे, रुखमणी या मनोरमा देवी। बख्शी जी का जन्म एक साहित्य परिवार में हुआ। बचपन में ही बख्शी जी एक मेधावी छात्र थे और विरासत में इनके पिता, माता और पिता के इनके गुण मिले, क्योंकि बहुत ही साहित्य के प्रेमी थे पिता और बाबा जी भी। इस प्रकार ये बीए की परीक्षा करने के बाद हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उतर आए और अपनी लेखनी से तमाम रचना किए। स्वच्छंदतावादी ये लेखक थे, अपनी लेखनी अपने लेखनी के माध्यम से बहुत से विद्वानों को प्रभावित किया और आपके एक ऐसे विद्वान थे जिनका नाम आप जानते हैं, उद्भट विद्वान, मर्मज्ञ विद्वान, सुविख्यात विद्वान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने अपने लेखनी से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को प्रभावित कर दिया और ये ऐसी छाप छोड़े कि द्विवेदी जी ने इनको अपना परम साहित्यकार शिष्य स्वीकार किया। यहां तक कि जब द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका का संपादन छोड़ रहे थे तो इसकी पूरी बागडोर बख्शी जी को दिए। पुन्नालाल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को इन्होंने अपना कार्यभार दे दिया। इस तरह बख्शी जी द्विवेदी युग के सबसे विख्यात साहित्यकार हुए और इनके मृत्यु 27 दिसंबर 1971 ईस्वी को खैरागढ़ में हुआ था। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, सतदल, असदल, झलमला, अंजल, विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य उपन्यास, हिंदी साहित्य कहानी और इनकी कुछ जो रचनाएं और हैं, पंचपात्र, प्रबंध परिजात और इनकी जो रचना है कुछ बिखरे पन्ने, कुछ यात्री, पद्मवन, प्रायश्चित, उन्मुक्त का बंधन और एक चर्चित रचना है तीर्थ सलिल, जो कि बोर्ड पेपर में आता रहता है तीर्थ सलिल। ये सब इनकी तमाम रचनाएं हैं और ये क्या लिखूं, भाषा शैली की जो प्रस्तुतिकरण है इनकी, क्या लिखूं, इसमें निबंध लिखने के लिए लेखक और साहित्यकारों के लिए अपने शैली के माध्यम से क्या लिखूं नामक शीर्षक के द्वारा आप लोगों को पाठ्यक्रम में शामिल किए हैं। ठीक, इस तरह इनका छोटा सा संक्षिप्त परिचय हुआ। ठीक, अब हम आगे इनके अभ्यास प्रश्नों में मिलेंगे।